सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में दूसरे लेक्चर में अब हम फाइव और इसके अलावा ए ये क्या चीजें हैं तो इन कांस्टेंट को मालूम करने की कोशिश करते हैं। फाइव जो कि एक कांस्टेंट है और इसको हम फेज कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब यह होता है कि कोई एक डायनामिकल सिस्टम जब अपना मोशन स्टार्ट करता है तो वो कहां से करता है अपना मोशन स्टार्ट, तो उस जब वो मोशन स्टार्ट कर रहा होता है तो उस वक्त क्या सिचुएशन है, तो वो जो आपको मालूम होंगे उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन के नाम से। जैसे कि मसलन मेरे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो, इसको मैं यहाँ इक्वेशन वन का नाम दे रहा हूं। मैंने कहा था कि इसका जो सोल्यूशन है वो ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, और फिर इस सोल्यूशन को यूज करके ओमेगा हम डिराइव कर चुके थे कि जो के बाई एम अंडर द रूट के बराबर था, लेकिन अब आज के इस लेक्चर में अब हमने फाइव मालूम करना है कि फाइव क्या चीज है। सो इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं हम, सपोज करते हैं कि ऑसिलेटर जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है, तो लिहाजा मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है और टाइम उस दौरान कितना, जीरो, क्योंकि उन्होंने अब जस्ट मोशन को स्टार्ट करना है, तो इसीलिए टाइम भी उस दौरान जीरो और पोजीशन भी इसका जीरो है। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। अब जब मैं ये इनिशियल कंडीशन का इधर एतलाक करूंगा, इनका अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू जीरो है लिहाजा लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगा, इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी की वैल्यू जब मैं जीरो पुट कर रहा हूं तो कॉस ऑफ जीरो प्लस फाइव यहां से आ जाएगा, कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब बात फिर वही कि जीरो इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ फाइव, अब ए तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए जीरो हो जाए तो फिर मतलब ये हुआ कि पूरा सोल्यूशन जीरो हो गया, और जब सोल्यूशन जीरो हो तो फिर ऑसिलेशन ही नहीं होगा, सो लिहाजा ए जीरो नहीं हो सकता, तो क्या चीज जीरो होगा फिर, इसका मतलब कॉस ऑफ फाइव जीरो है। तो लिहाजा कॉस ऑफ फाइव उस वक्त जीरो हो सकता है अगर यहाँ पे फाइव की वैल्यू या तो प्लस फाइव बाई टू हो और या फिर माइनस फाइव बाई टू हो, क्योंकि हमें पता है कि कॉस ऑफ फाइव बाई टू भी जीरो होता है या कॉस ऑफ माइनस फाइव बाई टू भी जीरो होता है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि फाइव इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव बाई टू। अब यहाँ पे एक और सवाल बन गया कि इसको हम प्लस फाइव बाई टू ले लें या माइनस फाइव बाई टू ले लें, तो इसका दर मदार इस ऑसिलेटर के मोशन के डायरेक्शन पर है, ठीक है। मसलन मैं अगर यहाँ पे इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ वेलोसिटी गेन करने के लिए, क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे वेलोसिटी देता है, तो वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन की सूरत में विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा बाहर आ जाएगा, सो माइनस और कॉस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन होता है, तो लिहाजा माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा टू टी इंटू माइनस फाइव बाई टू। अब चूंकि टी को हमने जीरो लिया हुआ है स्टार्ट में हम देख रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास अब अगर ऑसिलेटर जो कि यहां से एक स्प्रिंग पहले हम ड्रा कर चुके थे, अगर वो स्प्रिंग हमारे पास कहां से स्टार्ट ले रहा है, वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है और इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये देखें यहां मीन पोजीशन से वो स्टार्ट ले रहा है जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, बस जो एक्स में जा रहा है, तो फिर वेलोसिटी को पॉजिटिव होना चाहिए, समझ आई बात। सो क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी उस वक्त पॉजिटिव होगी अगर ये इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लिया जाए, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव कब होगा, अगर मैं यहां पे इस यहां इस टर्म में प्लस पाई बाई टू पुट कर लूं या माइनस पाई बाई टू, तो जाहिर है प्लस सॉरी मैं माइनस पाई बाई टू पुट कर लूं, तो जो कि साइन फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, तो यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस बना देगा और फाइव बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है यहां पे हम ये जो टर्म है वी बराबर हो जाएगा माइनस माइनस के साथ प्लस, और क्योंकि साइन पाई बाई टू वन के बराबर होता है, सो लिहाजा माइनस ओमेगा ए की बजाय अब होगा प्लस ओमेगा ए। तो मैं यहां पे क्या लूंगा, माइनस पाई बाई टू इसको ले लूंगा, और जब मैं माइनस पाई बाई टू ले रहा हूं
तो सॉल्यूशन में अगर आप माइनस पाई बाई टू पुट कर लें तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इसको कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से जब आप ओपन करेंगे कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, क्योंकि यहां पे माइनस है तो प्लस रह जाएगा, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड देन कॉस ऑफ पाई बाई टू, तो कॉस ऑफ पाई बाई टू तो जीरो होता है, सो प्लस में साइन प्लस साइन ओमेगा टी साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू वन के बराबर होता है, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक ऑसिलेटर मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है और वो एक्सट्रीम की जा रहा है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अदरवाइज केस में मतलब ये कि अगर एक ऑसिलेटर अब एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट ले रहा है और वो कहां जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो जब वो एक्सट्रीम से मीन पे जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अब किस डायरेक्शन में है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, ठीक है, सो लिहाजा जब डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा तो फिर हम पाई की वैल्यू को वेलोसिटी का डायरेक्शन चूंकि हमारे पास फिर नेगेटिव होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव तब आ सकता है अगर हमारे पास इधर पाई को भी क्या ले लूं पॉजिटिव, क्योंकि माइनस ओमेगा ए एंड देन साइन ऑफ पाई बाई टू क्या होगा वन, सो लिहाजा ये इस सूरत में अब अगर मैं इसको प्लस पाई बाई टू ले रहा हूं तो फिर इधर माइनस पाई बाई टू की बजाय प्लस पाई बाई टू पुट करूंगा, और जब मैं प्लस पाई बाई टू पुट कर रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा एक्स ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब अगर आप देखें ये दोनों ये इक्वेशन अगर आप ले रहे टी को अगर मैं जीरो पुट कर रहा हूं तो जीरो है, समझ आई बात, इसी तरह अगर मैं टी को जीरो पुट कर रहा हूं तो कॉस ऑफ जीरो कितने के बराबर आते हैं वन, तो वो कहां से स्टार्ट ले रहा है, मैक्सिमम से स्टार्ट ले रहा है। सो अब यहां पे बजाय इसके कि आपके पास दो तीन सोल्यूशन एट द सेम टाइम लिखने, आप कोई एक जनरल सोल्यूशन लिख लें फिर वो आप अप्लाई कर लेंगे अपने केस पे अपने प्रॉब्लम पे, तो जो जनरल सोल्यूशन मेरे पास है वो क्या है, x = a cos of omega t plus minus 5, जिसमें ये दोनों सोल्यूशन जो है वो एनकैप्सुलेट है, वो फिर इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करके हम अपनी इक्वेशंस को अपने जो फिजिकल सिचुएशन है उनके मुताबिक अडॉप्ट कर सकते हैं।